नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी का ऐसा टांका है जिसके साथ आप प्लेन कुर्ती में डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कुर्ती फट गई हो तो उसमें आप रफू भी कर सकते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं। धागा आप इसमें अपनी कुर्ती के मैच के हिसाब से डालिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से करिए, और ये बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। आप प्लेन कुर्ती होए तो आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अनस्टिच कुर्ती में अगर आप इसको कढ़ाई वाला जो रिंग मिलता है ना उससे करेंगे तो ये और भी सुंदर बनता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसमें सुई में धागे को फोल्ड करें, ध्यान रहे ज़्यादा टाइट इसको नहीं करना है, थोड़ा इसको लूज रखें धागे को, और इस तरह से सुई को आगे निकालिए। इसी तरह से इसमें छोटे छोटे फ्लावर बनाते रहिए। कई बार क्या होता है हमारी कुर्ती या सूट में थोड़ा सा टक लग जाए तो वो बहुत बुरा लगता है देखने में। अब उसके ऊपर आप ये वाला टांका इसमें डालेंगे या फ्लावर बनाएंगे तो आपकी कुर्ती भी अच्छी हो जाएगी और वो टक भी नहीं दिखेगा। ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसी तरह से हम इसमें ये बना लेंगे। अब हम इसमें नीचे इसकी डंडी सी बनाएंगे, तो इसे डंडी स्टिच भी बोलते हैं। इसे इस तरह से बनाते रहेंगे। धागा आप इसमें कोई भी मैच कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम पट्टी बना लेंगे। इस तरह से करिए, और इसके बाहर से इसको सुई को अंदर लेके जाइए, अंदर से नहीं लेके जानी है नहीं तो ये उधड़ जाएगी। इस तरह से इसकी पत्ती बना सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप धागे को इसमें घुमाइए और लूज ही रखें, और बस अब आप सुई को इस तरह से निकालिए आराम से, और ये हमारा इसी तरह से इसको गोल गोल दो तीन बार करना है और हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन जाता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल में रेसिपी, गार्डनिंग और सिलाई इस तरह के वीडियो शेयर करती रहती हूँ। पीछे से गांठ अच्छी तरह लगाइए। ये देखिए, ये देखने में ऐसे भी सुंदर लगते हैं अगर आप इसमें पत्ती और डंडियां नहीं बनाना चाहे तो भी। इसकी डंडी बनाने का एक और टांका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसे चेन स्टिच कहते हैं। इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर बनता है और इसके साथ और भी कई डिज़ाइन बनते हैं। इस तरह से इसको लेके जाना है और अंदर से दोबारा इसको इसी में लेके जाना है। ये देखिए, इस चेन स्टिच से और भी कई डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। ये जल्दी भी बन जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। इसी तरह से हम इसमें पत्ती भी बना लेंगे। मेरी तो ये रेडीमेड कुर्ती है,
लेकिन अगर इसे अनस्टिच कुर्ती में बनाया जाए तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छा बनता है। इसी तरह से मैं अपनी सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये एम्ब्रॉयडरी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।